मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत उतावला हूँ। तुम शादी करने के लिए उतावले क्यों हो? वह आपसे बात करने के लिए बहुत उतावला है। वह अंग्रेजी सीखने के लिए बहुत उतावला है। वह पैसा कमाने के लिए बहुत उतावला है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के वाक्यों को हम अंग्रेजी में कैसे बोले, चलिए सीखते हैं। बहुत ही आसान और सरल है। लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेंटेंस का पैटर्न क्या होगा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लेंगे। हेल्पिंग वर्ब ये किसी भी टेंस से रिलेटेड हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब इज अ मार वाज वर शैल विल बी वेरी एगर टू या वेरी कीन टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, देन वी टेक ऑब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं हमारा जो पहला सेंटेंस क्या है। वह शादी करने के लिए बहुत उतावला है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। He is very eager to marry. हमारा दूसरा सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी सीखने के लिए बहुत उतावला हूं। I am very eager to learn English. या आप बोल सकते हो I am very keen to learn English. ठीक है। हमारा तीसरा सेंटेंस है, मैं आपसे मिलने के लिए बहुत उतावला था। तो यहां था है तो आई वॉज वेरी कीन टू मीट यू। और हमारा अंतिम सेंटेंस है फ्रेंड्स, तो आपके लिए एज अ होमवर्क के तौर पे है, मैं आपका वीडियो देखने के लिए बहुत उतावला हूं। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। देखते हैं कितने लोग का सही आंसर देते हैं, और फटाफट इसको नोट डाउन कर लें, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मुझे उम्मीद है ये एडवांस स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। सो प्लीज, ऐसे और वीडियोस या ऐसे और एडवांस स्ट्रक्चर सीखने के लिए डू लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल माय वीडियोस ऑन टाइम। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।